गाइस मैं प्रियांशु, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये गाइस अपने साथ NS 160, जो कि भाई मोस्ट लोडेड बाइक है ऑल ओवर इंडिया में अभी तक, जहां तक मैं जानता हूं यार मोस्ट लोडेड बाइक है। क्योंकि इस बाइक को आपको मतलब अभी आप देख रहे होगे ना, तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो सामने से, लेकिन अगर आप इसको पास से देखोगे यार, यहां पे खड़े होकर देखोगे ना, तो मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं यार। मतलब कोई अच्छा सा फेयरिंग बाइक में भी रिएक्शन वैसा नहीं मिलता गाइस, जैसे रिएक्शन इस बाइक के ऊपर हमें मिलता है। तो ये अपनी, ये ऑब्वियसली मेरी बाइक नहीं है, आप लोग सबको पता ही है, क्योंकि आप लोग सब फैमिली मेम्बर्स को पता ही है कि मेरे पास कौन कौन सी बाइक्स हैं। बाकी ये बाइक है रमेश का, जो कि सोलो राइडर है, अपने ग्रुप का एक राइडर है। तो अभी जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ यार इस बाइक में क्या क्या चीज़ लोडिंग्स किया गया है और क्या इसका फीचर्स और क्या है। तो गाइस ये है NS की 160। इस बाइक के साथ हमें मिलता है 160 cc का इंजन, 14 Nm का टॉर्क, और उसके साथ हमें मिलता है इसमें 17 BHP का जो पावर है इसका गाइस। तो काफ़ी अच्छा पावर आपको एक नेकेड सेगमेंट बाइक में मिल जाता है, और अगर आपका वेट हल्का है तब तो भाई आप इसको लेके उड़ो, कहीं पे भी लेके जा सकते हो और एकदम मज़ा आ जाने वाला है। सिटी राइड करना है अगर आपको, कहीं पे भी हाईवे राइड वगैरह भी करना है, तो काफ़ी अच्छा ये बाइक है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है गाइस। तो मतलब ये एक स्पेसिफिकेशन है जो आप लोगों को ऑनलाइन वगैरह हर जगह आपको पता रहेगा, लेकिन इस बाइक में क्या एक्स्ट्रा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, तो ये बाइक में जैसे नॉर्मल आपको जब ये शोरूम से आप निकाल के लाते हो, तो इसमें आपको पूरा स्टिकरिंग वगैरह किया रहता है, ब्रांडिंग वगैरह, यहाँ पे 160, वहाँ पे पल्सर का लोगो, और यहाँ पे स्टिकर वगैरह आपको मिलते हैं, जो कि यहाँ पे इसका ईयर वगैरह है, ये फेयरिंग वगैरह में थोड़ा मोड़ा फेयरिंग जो है उसमें आपको स्टिकर मिलते हैं। तो ये भाई ने क्या किया, जस्ट शोरूम से लेते ही जितने भी स्टिकर थे इस बाइक के ऊपर सबको हटा दिया भाई। ये काफ़ी डेयरिंग वाला काम होता है इस बाइक का स्टिकर हटाना, वो जो कि स्टॉक स्टिकर है, वो भी नई बाइक का। तो यार भाई ने कुछ नहीं सोचा, जस्ट सिंपली सारे स्टिकर्स को निकाल दिया। तो ये पीछे में आप लोग देख सकते हो, पीछे में भी मतलब टोटल सारा स्टिकर रिमूव कर दिया। तो उसके कारण क्या है कि इसका जो ग्लॉस ब्लैक कलर है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहा है गाइज, और काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन ये है कि एक इसका डिसएडवांटेज है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो एकदम लास्ट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यार क्या क्या चीज़ इसमें लोडेड है। सबसे पहले दिखा दूँ तो इसमें आपको मिलता है यार एक 17 inches का एलॉय, वो तो आपको सबको पता ही होगा, लेकिन इसमें यार इसने लगाया है एक एलॉय कवर, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है अपनी बाइक के थीम के मैचिंग, जो कि ब्लैक कलर है। हालांकि ये कलर ब्लैक में ही आता है, लेकिन काफ़ी लोग इसको मॉडिफाई कराने के लिए अलग अलग कलर में भी यूज़ करते हैं, पर ये भाई ब्लैक कलर सोवर रहता है। मेरी भी बाइक में ब्लैक ही लगा है, तो ये भाई ने ब्लैक ही लगवाया है, जो कि मिलता है आपको मार्केट से ही, जो कि सेम इसके बाइक के कलर का है। तो उससे कारण क्या है कि गाइस इसका टायर जो थोड़ा सा ब्रॉड लगता है दिखने में, और ये है गाइस USD फोक्स सस्पेंशन। तो इसका ओरिजिनल कलर गाइस ग्रे है, तो इसमें आप भाई ने इसको कलर करवा, मतलब इसको रैप करवा के गोल्डन करा लिया गाइस, पूरा फुल ब्लैक बाइक में एक गोल्डन इसका USD फोक काफ़ी दिखने में यार निकलता है। अगर ये बाइक रोड पे जब चल रही होगी ना, तो यार दिखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है ये बाइक। यहाँ पे एक वाइज़र लगा हुआ है, जो कि NS के लिए आता है, और ड्यूक वगैरह में भी किसी किसी में लगता है, पर सब यूनिवर्सल वाइज़र है गाइस। और यहाँ पे इस भाई ने सबसे पहला काम ये कराया है कि यार इसका जो हेडलैम्प है उसको फुल ब्लैक 100% ब्लैक में पूरा स्मोक रैप करवा लिया है गाइस। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा बाइक से मैचिंग और फुल ब्लैक बाइक होने वाली है ये। तो इसमें इसके अंदर भी इसका जो लैंप होता है गाइस उसको भी मॉडिफिकेशन कराया गया है। ये आपको ब्लैक दिख रहा होगा, पर मैं बाइक को एक बार ऑन करता हूँ गाइस, ये चेक करो। इसके अंदर में आपको एक मिलता है प्रोजेक्टर लैंप गाइस, अभी दिन का टाइम हो रहा है इसलिए दिख नहीं रहा होगा, पर ये रात के टाइम पे यार जो डेविल आई का लुक आता है ना इसमें से, काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छा लगता है। मतलब लगता है कि भाई ये एक बाइक है, और यहाँ पे आपको दो पायलट लाइट्स मिल जाते हैं, और इस भाई ने इसके ऊपर देख लो क्या मस्त सा एक हैजार्ड लैंप का सेटअप करके रखा है, काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है यार। और सामने से आप एक बार लुक चेक करो क्या अच्छा ही, मतलब अनदर लेवल का फीलिंग है गाइस। और इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, आप लोग नोटिस कर रहे हो कि भाई ये क्या है, तो ये है गाइस एक फॉग लैंप, जो कि भाई ने इसको ब्लैक करा के रखा है। तो ऑब्वियसली रात को जब ये चलाता होगा तो वो लैंप तो दिखता होगा अच्छा से, पर ये रात को राइड करने में यार ब्लैक में कुछ लाइट ही नहीं थ्रो आता है। तो भाई ने क्या किया, इसके ऊपर मस्त एक फॉग लैंप लगा के रखा है, जो कि SJG का आता है गाइस, यूनिवर्सल है, आप कोई भी बाइक में लगा के रख सकते हो। इसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा जगह पे करके रखा है, तो ये प्लेस करने में ही बोला था भाई, शॉर्ट आउट टू मी। यहाँ पे काफ़ी लोग प्लेस करते अपने नंबर प्लेट के पास, पर ये भाई लोकेशन अच्छा नहीं था, ये वाला एक अनदर लेवल का ही मैंने लोकेशन बताया उसको। तो यहाँ पे भी देख सकते हो ये दोनों लाइट्स यहाँ पे प्लेस्ड किया गया, और काफ़ी अच्छा जलने में भी इसका लुक आता है। तो एक बार मैं आपको इसको जला कर दिखा देता हूँ कि क्या इसका लुक आ रहा है।
सबसे पहले येलो लाइट जल चुका है गाइस, अभी तो थ्रो इसका नहीं दिखा पाऊंगा, ये एक ऑफ है, ये वाइट है और एक येलो लाइट, मतलब तीन लाइट आता है गाइस। और यहाँ पर से ये लुक चेक करो, मतलब लगता है कि भाई कोई एक हैवी सा बाइक आ रहा है जिसका लाइट इतना ऊपर प्लेस किया गया है, तो बाइक कितनी हैवी होगी तो फील आने लगता है गाइस। और ये सीट वगैरह तो जो भी है सारा स्टॉक किया हुआ है। और ये वाला जो ग्रैब रेल्स है ये इसके पीछे साइड आता है गाइस, अगर आप लोग ये ग्रैब रेल को खोल के इधर लगाओगे और इसको इधर लगाओगे ना तो ये ऐसा सेम बन जाएगा, तो ये स्टॉक ही है, कोई ऐसा मॉडिफाइड नहीं है। तो इसमें पीछे वाले सीट में को पिलियन को भी बैठने में भी आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट मिल जाता है, बस पकड़ने के लिए आपको पैरों के नीचे से पकड़ना पड़ता है। ये आ गया है गाइस सबसे मेन मॉडिफिकेशन जो कि है टेल टाइडी मॉडिफिकेशन। तो यार सबको पता है कि यार ये चीज़ एक थोड़ा सा दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है ये जब ऐसे क्लोज रहे, पर पुलिस का थोड़ा सीन होता है गाइस, इसलिए भाई ने इसके ऊपर मैग्नेटिक टेल टाइडी लगा के रखा है यार, जिसके कारण काफ़ी अच्छा इसका मतलब लुक भी है। जब आपको कोई ऐसा सीन है कि भाई यहाँ पे आपको नंबर अपना शो करके चलना है तो ठीक है इसको निकाल के रखो, जब आपको ज़रूरत नहीं है गाइस तो इसको मस्त ऊपर स्टिक कर दो यार, यहाँ पे आपको मैग्नेट्स मिल जाते हैं जिसके कारण ये पूरा वर्क करता है। पीछे वाले टायर पे मैं आपको दिखा दूँ यार, पीछे वाले टायर पे फुल पूरा वाला जो आता है 17 इंचेस का टायर एलॉय व्हील कवर, जिसमें कि भाई ने बुग्गू लिखवा कर रखा है, जो कि अपनी बाइक का उसने बुग्गू नाम रखा है यार उस प्यार से। यार आपको पता ही होगा यार अपनी बाइक का भी नाम लूसी है, जो कि वहाँ की वहाँ खड़ी है और अभी मुझे देख रही है कि भाई मैं दूसरी बाइक का तारीफ कर रहा हूँ, बाद में मेरा झगड़ा उससे होने वाला है वो तो अलग बात है। क्या बोला तूने? पर अभी फिलहाल इस ब्यूटी के ऊपर नज़र देखते हैं यार, और आप देखो यार क्या मस्त है पीछे से लुक आ रहा है देखने में। अगर आपको सिटी राइड के लिए एक बाइक चाहिए ना गाइस, तो ये बाइक सबसे बेस्ट है, अगर आप मतलब इसको लेकर निकल रहे हो ना तो काफ़ी अच्छा दिखने में इसका लुक आता है। आप लोग एक बार लुक भी चेकआउट करो यार, मतलब सामने से जो इसको देख के फील आता है ना गाइस वही अनदर लेवल होने वाला है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, होप करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पर अगर आप लोग नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।